हेलो डियर वंस, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल हैव बीन वर्किंग हार्ड विद द हेल्प ऑफ माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस संजीव गोस्वामी. टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नो अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस इज राइटिंग लेटर स्किल, द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग. पत्र कैसे लिखें इसके बारे में इस वीडियो में आज हम सीखेंगे. और ये कंपोजिशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. एक तो ऐसे राइटिंग जिसका हमने लास्ट कुछ दिनों पहले वीडियो देखा होगा, और अब है लेटर राइटिंग. तो ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में इसमें से क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं, चाहे वो हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो, और भी कॉम्पिटिशन्स में ये कंपोजिशन जो है बहुत हेल्पफुल है. ठीक है, तो आइए हम देखते हैं लेटर राइटिंग में. सबसे पहले हमें समझना होगा काइंड्स ऑफ लेटर्स, पत्रों के प्रकार क्या हैं. जो लेटर्स लिखे जाते हैं दो तरह से होंगे. ठीक है, पहले तो हो गए इनफॉर्मल लेटर और दूसरे हो गए फॉर्मल लेटर्स. तो इनफॉर्मल लेटर्स को हम कह सकते हैं फ्रेंडली लेटर्स भी होते हैं, इन्हें हम फ्रेंडली लेटर्स भी कह सकते हैं. और जो फॉर्मल लेटर्स हैं उन्हें हम ऑफिशियल लेटर्स भी कह सकते हैं. तो फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स हैं जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल्स के लिए लिखे जाते हैं, ऑफिसर्स के लिए लिखे जाते हैं, अलग अलग कंपनीज के लिए, अलग अलग यू नो डिपार्टमेंट के लिए. बट जो इनफॉर्मल लेटर हैं ये हमारे जो फ्रेंड्स हैं, रिलेशंस हैं, उनमें हम इन्हें यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हम सीखेंगे जो इनफॉर्मल लेटर हैं वो हम किस तरह से लिखेंगे. मैंने लिख दिया है पर इसके जो हैं चार स्टेप हैं, चार पार्ट्स में हम इसे बांट सकते हैं. इनफॉर्मल लेटर्स को हम चार पार्ट में बांट सकते हैं. सबसे पहला पार्ट जो सबसे ऊपर का ये हेडिंग है, जो ये बताएगा कि लेटर का कंसर्न क्या है, कि किसके लिए लिखा जा रहा है, कहाँ भेजा जा रहा है. सेकेंड है सैल्यूटेशन. दूसरा जो है जो पार्ट है इसके बाद तुरंत नीचे आता है, जैसे फर्ज कीजिए आप कि जो हम इनफॉर्मल लेटर्स हम किसके लिए लिख रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए लिख सकते हैं. जैसे मैं क्लास में अक्सर बच्चों से शेयर करता हूँ, एक बड़ा मज़ेदार एक चीज़ है ये कि एक लेटर हम हमेशा लिखाते हैं ना क्लास में, राइट ए लेटर टू योर फादर. जब जब स्टूडेंट या कोई बच्चा अपने फादर के लिए लेटर लिखता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 9 out of 10 times ही ऑलवेज डिमांड्स फॉर मनी. तो कहते हैं ना कि फादर जो है ATM का काम करता है, तो फादर के लिए लिख रहे हैं तो यू नो पैसा चाहिए हमारे लिए, बुक्स के लिए चाहिए, फीस के लिए चाहिए, ट्यूशंस के लिए चाहिए, या और किसी चीज़ के लिए चाहिए. सेकंड टाइप का लेटर अक्सर हम लिखते हैं अपने मदर के लिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लिखते हैं द राइट अ लेटर टू योर मदर एंड आस्किंग अबाउट हर हेल्थ. उनकी हालचाल पूछो, भाई माता जी की तबीयत कैसी है, वो कैसी हैं, वो सब खा पी रही हैं, दवा ठीक से ले रही. या फिर हम डिमांड करते हैं कि वो जैसे घर में घुसते हैं ना तो मदर से कि वो खाना बना या नहीं बना वगैरह. या अपने ब्रदर सिस्टर अंकल या फ्रेंड्स, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त के लिए चिट्ठी लिखें एंड आस्किंग अबाउट हिज हेल्थ, आस्किंग अबाउट हिज करियर प्लानिंग, यू नो कॉम्पिटिशन में जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया उसका रिजल्ट क्या रहा, या कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए. तो दीज टाइप्स ऑफ ऑल लेटर्स, ये सारे प्रकार के पत्र, चाहे वो माता के लिए हों, पिता के लिए हों, भाई बहन दोस्त सगे संबंधियों कहीं हों, तो ये लेटर कहलाते हैं इनफॉर्मल लेटर. इसीलिए इन्हें फ्रेंडली लेटर्स भी कहा जाता है. ठीक है, तो चार टाइप हो गए इसके, चार पार्ट्स हो गए हेडिंग, फिर सेकंड नंबर पे सैल्यूटेशन आया, ग्रीटिंग, हम किस तरह ग्रीट कर रहे हैं. अपने बड़े हैं तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, छोटे हैं तो प्यार दे रहे हैं. ठीक है, तीसरा पार्ट आ गया बॉडी ऑफ द लेटर, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर. ये लेटर में जिस वजह से लेटर लिखा जा रहा है, जैसे फादर से अगर पैसे चाहिए तो वो यहाँ पर आएगा, मदर की हेल्थ के बारे में पूछना है तो यहाँ पर आएगा, मदर से अगर नींबू का अचार मंगाना है, आपको हॉस्टल में रह रहे हैं, आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो भी यहाँ पर आएगा, या मदर के हाथ का बना हुआ गाजर का हलवा अगर आपको चाहिए, या लड्डू आपने जो बेसन के माता जी ने बनाया है ना 70s के कहानियों में हम देखा करते थे, तो वो भी यहाँ पर आएगा. एंड द फोर्थ वन एंडिंग और सब्सक्रिप्शन, फाइनली आप किस तरह से इस लेटर को एंड कर रहे हैं, तो ये लास्ट पार्ट में आएगा. अब हम आपको एक एग्जाम्पल के सहारे बताएंगे कि लेटर का फॉर्मेट इनफॉर्मल का क्या होगा. आइए देखते हैं.
अब हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ द पर्सनल लेटर या इनफॉर्मल लेटर या फिर फ्रेंडली लेटर भी कह सकते हैं। तो ये फॉर्मेट को जरा हम समझेंगे। तो इस तरीके से एक हम बना लेंगे यहां पर, एक ये फॉर्मेट है, एक पेज मान लीजिए इसे, तो ये हो जाएगा यहां पर फॉर्मेट। इसमें सबसे ऊपर जो पार्ट आएगा वो आएगा एड्रेस। ऑब्वियसली एड्रेस आपका ही होगा, क्यों आपने एड्रेस पर ही तो लेटर भेजेंगे ना। तो यहां पर जैसे मान लीजिए आपने एक एड्रेस मेंशन करना है, तो आपने लिखा ए 123 राम नगर, ठीक है। फिर एक स्पेस दे देंगे यहां पर, एक स्पेस दे देंगे, फिर शहर का नाम पीलीभीत। तो एड्रेस हो गया। अब यहां पर स्पेस दे देंगे ये कंप्लीट एड्रेस लिखने के बाद। फिर आएगी डेट, तो जैसे मैं आज लेटर लिख रहा हूं तो ये हो गई डेट यहां पर 18/11/2020। फिर यहां पर स्पेस दे देंगे, ठीक है। फिर यहां पर हम लिखेंगे सैल्यूटेशन, जैसे मैं अपने फादर को लिख रहे हैं तो मदर को लिख रहे हैं तो डियर मदर कॉमा, उसके बाद यहां पर आएगी बॉडी ऑफ द लेटर। यहां पर ये बॉडी ऑफ द लेटर एंड फाइनली हम यहां क्या देखेंगे, ये होगा एंडिंग, इसमें आएगा नेम। हमेशा फर्स्ट नेम लिखना चाहिए, तो यहां पर योर्स लविंग सन, नीचे नाम लिख देंगे हम मोहन। So this is the format of an informal letter which we can call friendly letter or personal letter. जब अपने सगे संबंधियों में, परिवार के लोगों में, मित्रों में लेटर लिखेंगे, दोस्तों में लिखेंगे, तो हम इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। तो ये उसका फॉर्मेट होगा। ऊपर एड्रेस लिखेंगे, फिर नीचे डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद डियर मदर, सिस्टर, ब्रदर जो भी है, या माई डियर फ्रेंड, मित्र के लिए माई डियर, थोड़ा लविंग लगा दें, क्लोज हो जाएंगे। फिर यहाँ पर मेन जो है सब्जेक्ट आएगा, देन नीचे अपना जो है एक एंड करेंगे इसे कि योर लविंग सन, योर फ्रेंड, योर्स, देन अपना नाम, फर्स्ट नेम, योर लविंग सन, ठीक है। इस तरीके से हम इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट लिख सकते हैं। अब हम इसके बाद सीखेंगे, अब इस वीडियो में हम लोग फॉर्मल लेटर के बारे में सीखेंगे कि फॉर्मल लेटर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो फॉर्मल लेटर हमने बताया जैसे कि पहले लास्ट वीडियो में कि ये ऑफिशियल लेटर है, इसे ऑफिशियल लेटर भी कह सकते हैं। और इसके देखिए चार टाइप्स हैं फॉर्मल लेटर को हम, अब हम देख सकते हैं कि फॉर्मल लेटर को हम चार टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला है ऑफिशियल लेटर, जैसे हम किसी ऑफिशिएट्स के लिए भेजते हैं, ऑफिस में कहीं हमें किसी डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है, कुछ सोल्यूशन चाहिए या हमारी कोई कॉम्प्लेंट है, तो हम ऑफिशियल लेटर भेजेंगे। सेकेंड होता है बिजनेस लेटर, बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में हम ऐसे लेटर का यूज करते हैं, किसी कंपनी से हमें माल मंगाना हो या किसी का पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कोई बिजनेस डीलिंग हो कैसे भी, ठीक है।
थर्ड होता है लेटर्स टू द एडिटर्स, एंड दिस लेटर इज अबाउट द एडिटर्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स। कई बार हमें कोई एडवर्टाइजमेंट देना है किसी पेपर में, तो हमें वो लेटर लिखना है, या हमें किसी उस एडिटर से किसी न्यूज़पेपर के कोई जॉब रिलेटेड कुछ मैटर होगा या कुछ भी, तो हम एडिटर के लिए लिखते हैं, वो भी फॉर्मल लेटर कहलाता है। तीसरा है लेटर्स और एप्लीकेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो है किसी डिपार्टमेंट अथॉरिटी की लिखनी पड़ती है, जॉब रिलेटेड जॉब पाने के लिए हम जो एप्लीकेशन लिखते हैं वो भी इस फोर टाइप में आता है। एंड दीज फोर टाइप्स, ऑल दीज फोर टाइप्स आर रिलेटेड टू फॉर्मल लेटर्स, या ऑफिशियल लेटर भी कह सकते हैं, इन्हें हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। अब इस फॉर्मल लेटर के अलग अलग पार्ट्स हैं, तो जैसे सबसे पहला पार्ट होगा हेडिंग, दूसरा है इनसाइट एड्रेस, तीसरा होगा सैल्यूटेशन, चौथा है बॉडी ऑफ द लेटर, जो मेन बॉडी है, अबाउट द लेटर इज बीइंग रिटन, जिसके बारे में लेटर या एप्लीकेशन हम दे रहे हैं, ये मेन बॉडी है। देन आता है कॉम्प्लीमेंट और सब्सक्रिप्शन, एंड फाइनली सिग्नेचर ब्लॉक है, फाइनल हम करेंगे लेटर को अपना सिग्नेचर, वी हैव टू पुट आवर सिग्नेचर इन द एंड ऑफ द लेटर और फॉर्मल लेटर। तो ये हमने अलग अलग इसके पार्ट्स कर दिए हैं, इतने पार्ट्स हैं एक फॉर्मल लेटर्स के, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो ये 7 पार्ट्स होंगे एक लेटर के, दिस इज फॉर्मल लेटर। अब हम इसको एक फॉर्मेट के जरिए समझें। अब हम फॉर्मेट समझेंगे फॉर्मल लेटर का, मैंने लिख दिया है इसमें, कम टाइम में वीडियो कंप्लीट हो सके। सबसे पहले हमारा योर एड्रेस, आपका पता, फिर एक स्पेस होगा, फिर डेट, फिर रिसीवर्स का एड्रेस, हम किसके लिए डाल रहे हैं ये लेटर भेज रहे हैं, सॉरी, देन फिर एक स्पेस है, फिर सैल्यूटेशन, हमारा रिस्पेक्टिंग क्या होना चाहिए, उसके लिए रिस्पेक्ट कैसे कर रहे हैं, फिर एक स्पेस है, फिर उसके बाद जो मेन मैसेज, मेन बॉडी कह सकते हैं, फिर सब्सक्रिप्शन है, देन सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन। इसे मैं यहाँ एक इस फॉर्मेट में बताने की कोशिश करूँगा, इससे आप अच्छे से समझ लें। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैंने एड्रेस लिखा, ए कोई भी नंबर डाल सकते हैं, मकान नंबर 235A235, कॉलोनी का नाम इस बार हम श्याम नगर कर दे रहे हैं, शहर अपना पीलीभीत। ठीक है, देन एक डेट, मान लीजिए हम 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में एक लेटर लिखना चाहते, तो हमने 1 तारीख को लेटर लिखा, 1 अक्टूबर 2020, फिर एक स्पेस दिया। अब हमें ये किसके लिए भेज रहे हैं, फर्ज कीजिए कि हम अपने कॉलोनी में सफाई कराना चाह रहे हैं 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में, तो हम एक एग्जीक्यूटिव को भेज दे रहे हैं, और कहाँ, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, टू द एक्सिक्यूटिव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पीलीभीत। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपने सैल्यूट, फिर उसके बाद है सैल्यूटेशन, सर सर ऑब्वियसली सर विद रिस्पेक्ट, देन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज द मैसेज विच वी हैव टू कन्वे। तो पहले हमने देखा अपना एड्रेस जो हम लेटर भेज रहे हैं, देन डेट डाली जिस डेट में हम लेटर को सेंड कर रहे हैं, देन रिसीवर का एड्रेस, हम लेटर किसके फेवर में भेज रहे हैं, उसके बाद एक सैल्यूटेशन, रिस्पेक्ट सर या मैम, वहाँ अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कोई लेडी है, उसके बाद द मेन मैसेज, द मेन बॉडी ऑफ द लेटर यहां आएगा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन, योर्स, सिंसियरली, सॉरी ये इधर आएगा, योर सिंसियरली, उसके बाद आपका नाम, या मान लीजिए राम, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन, अगर आप किसी पोस्ट पे हैं, किसी जॉब में हैं,
तो मान लीजिए आप सेक्रेटरी हैं उस कॉलोनी के, उस सोसाइटी के, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेक्रेटरी. सो दिस इज व्हाट द वे वी हैव टू राइट एनी फॉर्मल लेटर. इस तरह हम ऑफिशियल लेटर को हम लिख सकते हैं. मैंने कोशिश की है कि इस छोटे से वीडियो में ही आपको इसे समझाया जाए, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को. बाय, टेक केयर, हैव ए फन विद योर स्टडी. गुड डे.